अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज डिमांड के ऊपर एक और अच्छी फैमिली कार का रिव्यू लेके आया हूँ। ये है सुजुकी मार्गला 1994 का मॉडल। तो पहले बात कर लेते हैं सुजुकी मार्गला के हवाले से। तो सुजुकी मार्गला 1990 में सुजुकी ने इंट्रोड्यूस कराई थी और वो जापान से इम्पोर्ट करके पाकिस्तान मंगवाते थे, जो कि 1000 CC मॉडल था। वो पाकिस्तान में नाकाम हो गया था क्योंकि उसकी जो मेन वजह थी वो अंडर पावर था 1000 CC होने की वजह से। उसके बाद 1992 में सुजुकी पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, जो कि 1992 से लेके सन 1998 तक चला, जो कि 1300 CC इंजन के साथ आता था। इसमें दो वेरियंट आते थे, एक सुजुकी मार्गला और एक सुजुकी मार्गला प्लस। जो प्लस वाला था उसमें फीचर्स कुछ ज़्यादा, मिरर जो होते थे ऑटो एडजस्टेबल होते थे, उसके अलावा पावर विंडोज़ वगैरह आ जाती थी वगैरह जो थी, छोटे छोटे फीचर्स हैं वो हम साथ साथ बात करते चलेंगे। ये ज़्यादातर गाड़ी आपको इंडिया की फिल्मों में जिस तरह मारुति नज़र आएगी उसकी तकरीबन सेम, ज़्यादातर जो 90s की या 2000 की फिल्में थी इंडिया की उसमें ज़्यादातर आपको ये गाड़ी मतलब के नज़र आती है। उसके अलावा कल्टस जो थी इसके साथ में आने वाली, उसके साथ भी इसकी काफ़ी शेप अगर आप देख सकते हैं तो उसके साथ भी काफ़ी इसकी शेप की मुनासबत है। फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं तो ऑल इन वन नॉन क्रिस्टल हैलोजन लाइट्स हैं इसमें, कि ये क्रिस्टल में नहीं आती, नॉन क्रिस्टल हैं। और ये नीचे साथ में इसका साइटन इंडिकेटर आ जाता है और छोटा सा इसका बम्पर आ जाता है और काफ़ी एक क्यूट सी लुक है। बोनट जो है वो काफ़ी एक्सटेंडेड है इसका। एक अच्छी फैमिली कार है, ठीक है। इसमें आप इतनी पुरानी है तकरीबन 1994, तकरीबन 20 से 30 साल गाड़ी पुरानी है, 25 से 30 साल पुरानी गाड़ी है, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उस हिसाब उस वक्त की जो होंडा सिविक आ रही होती थी या होंडा सिटी या टोयोटा की करोला आ रही होती थी, उनके हिसाब से अच्छी शेप थी। साइड पे आ जाते हैं तो साइड सेंटर में आपको इसका साइटन इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि फ़िलहाल टूटा हुआ है। और ये जो अलॉय रिम्स हैं, इसमें अलॉय रिम्स आती थी जो प्लस थी, और जो सिंपल थी उसमें आपको स्टील रिम्स देखने को मिल जाते थे। ये जो है टायर इसमें आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। अगर साइज़ की बात कर ली जाए तो 175 मोटापा है, 70 ऊंचाई है और 14 इंच के इसमें आपको रिम इंस्टॉल मिल जाते हैं। साइड स्कर्ट्स इसमें मौजूद नहीं है, जबकि मड फ्लैप्स कंपनी फिटेड है। और ये जो स्ट्रिप चाह रही है ब्लैक कलर की, ये भी कंपनी फिटेड ही आ जाती थी। मार्गला दोनों मॉडल्स में आपको बॉडी कलर मैच में डोर हैंडल्स और साइड मिरर नहीं मिलते थे, ब्लैक कलर में आपको देखने मिलते थे। एयर प्रेस भी इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं फ्यूल टैंक के हवाले से। तो फ्यूल टैंक इसमें लीटर के, इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसकी रियर साइड पे। तो रियर पे जो जापानीज़ और पाकिस्तानी में फ़र्क है वो सिर्फ यही है कि उसमें ये जो सारी आ जाती थी यहाँ पे भी उसकी लाइट्स होती थी, जबकि यहाँ पे प्लास्टिक में इन्होंने मतलब स्ट्रिप दे दी हुई है। पीछे सुजुकी की बैजिंग, एम्बलम, ये सुजुकी की बैजिंग और यहाँ पर मार्गला की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। ये इसका बैक बम्पर भी है, फ्रंट और बैक बम्पर जो है ये इसके ब्लैक में आते थे, बॉडी कलर मैच में इसके नहीं आते थे। हालांकि ये दोनों जो बम्पर लगे हुए हैं ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ब्लैक में ही आते थे इसको, मतलब बॉडी कलर मैच में इसके नहीं आते थे। ट्रंक स्पेस की बात कर लीजिए तो ट्रंक स्पेस में आपको इस बूट स्पेस तकरीबन 320 लीटर की आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। अभी तो CNG सिलेंडर लगे हुए हैं जिसकी वजह से स्पेस कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप तकरीबन दो बड़े बैग इसमें आराम से रख सकते हैं। और पीछे दो स्पीकर भी आपको देखने को मिलते हैं बैक फट्टे पे। अब आ जाते हैं इसके रियर सीटिंग कैपेसिटी के हवाले से। तो गेट मैंने फुल खोल लिया है, 90 पे तो नहीं खुलता लेकिन फिर भी गेट की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है। अब बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। फ्रंट सीट जो है वो मैंने फुल पीछे की हुई है। ये जो लेदर की सीट्स हैं ये आफ्टर मार्केट हैं। लेग रूम काफ़ी अच्छा है, सीट मैंने फुल पीछे की हुई है और जो हेड रूम है वो भी काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मौजूद है। रियर बेड इतना फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा हम्प इसमें मौजूद है, लेकिन फिर भी तीन बंदे इस गाड़ी में पीछे आराम से बैठ सकते हैं और सीट्स काफ़ी सॉफ्ट हैं इस गाड़ी में। फिलहाल तो बिल्कुल तपी हुई हैं सीट्स, ठीक है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई होगी अभी। तो कल पहला रोज़ा है, आप तो ये वीडियो रमज़ान में ही देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले ही 3-4 वीडियोज़ बना लूँ, 5-6 वीडियो, ताकि रमज़ान में थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है और दोपहर में वीडियो बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी बात पर लाइक तो बनता है। आम रस गाड़ी में मौजूद नहीं है, जबकि 60-40 स्प्लिट के साथ, सॉरी 50-50 स्प्लिट है इस गाड़ी में सीट्स की। और है डोर लॉक्स का काफ़ी एक अच्छा मतलब इसमें सिस्टम आ जाता है, ये डोर ओपनर्स आ जाते हैं और इसमें भी मैनुअल है, ठीक है। आफ्टर मार्केट आप इसमें लगवा सकते हैं। ये यहाँ से इसका कुछ फ्रंट का लुक आ जाता है और छत भी इसकी फैब्रिक में आ जाती है। लाइट आपको दरमियान में एक दी हुई है और ग्रैब हैंडल इसमें चारों आते हैं। ये जो ड्राइवर साइड का ये फिलहाल टूटा हुआ है, वरना आते इस गाड़ी में चारों ही हैं। सीट बेल्ट वगैरह पीछे मौजूद नहीं है और ये छोटा सा कप होल्डर तो नहीं कह सकते आप, छोटा सा एश ट्रे कह सकते हैं, वो पीछे दी हुई है इस गाड़ी में।
अगर फ्रंट की बात कर लीजिए तो ये इसका कुछ फ्रंट गेट है बिल्कुल सिंपल सा, थोड़ा सा इसमें फाइल होल्डिंग स्पेस आ जाती है। और ये जो एसी के वेंट्स हैं इसका थोड़ा सा बात मुझे तो काफ़ी अच्छा एक यूनिक आइडिया लगता है कि ये डैशबोर्ड से यहाँ से आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट करके और यहाँ पे आपका एयर वेंट बना दिए, जो कि काफ़ी एक अच्छा मतलब कि फील दे देता है। नीचे ये यहाँ पे इसका फ्यूल और ट्रंक ओपन करने की लेड आ जाती है। ये इसका सीएनजी का बटन, ये कंपनी फिटेड सीएनजी का बटन, ये बटन आफ्टर मार्केट लगे हुए वरना गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी पे आती है। ये इसका कुछ मीटर का इंटरफेस है और ये यहाँ पे इसके दरमियान वाले एयर वेंट आ जाते हैं और वो इसका ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स में आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये इसका कुछ ग्लव बॉक्स है, ग्लव कंपार्टमेंट भी अच्छा है, अच्छी खास स्पेस में मौजूद है। ये इसका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है जो इसका साउंड सिस्टम है, ठीक है। ओरिजिनल तो इसमें कैसेट प्लेयर आता था। एसी इस गाड़ी में मौजूद भी है और ये इस वक्त चालू भी है। रियर डिफॉगर का बटन भी मुझे नज़र आ रहा है, वो भी इस गाड़ी में मौजूद है। 5-speed मैनुअल इसमें गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। ये इसकी हैंड ब्रेक आ जाती है, इसमें आर्मरेस्ट नहीं है। मैं फिर एक बार मदद करना चाहूँगा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पर बैठने का, बहुत गर्म है इस टाइम सीट। और अब चलते हैं इसकी ज़रा इंजन चेक करते हैं और इसकी अगर इंजन स्पेक्स की बात कर लीजिए तो इसमें आपको 1300cc का नॉन EFI इंजन मिल जाता है। कार्बोरेटर बेस इंजन आपको देखने को मिल जाता है। ये सारा इसका CNG किट वगैरह लगी हुई है, बैटरी वगैरह, और ये सारा इसका इंजन आ जाता है। अगर इंजन की स्पेक्स की बात पावर फिगर्स की बात कर लीजिए तो तकरीबन ये गाड़ी आपको 71 या 72 आई थिंक हॉर्स पावर देती है, जबकि 92 Nm ऑफ टॉर्क बीस कर सकती है। जी तो भैया, आपने अब उम्मीद है अब तक वीडियो देख ली होगी मार्गला की, तो सॉरी मैं मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि जो उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी जो इसमें मैंने सारे उसके फीचर्स वगैरह डिस्कस किए थे उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था। एक तो उसका ऑडियो का इशू आ रहा था और दूसरा दो तीन चीज़ें मैंने मिस कर दी थी। पहले तो एक दो तीन चीज़ें जो मैं पहले मिस कर गया वो मैं क्लियर करता जाऊँ कि मैंने आपको बताया कि मार्गला के दो मॉडल्स आते थे, जैसे वेरियंट्स जैसे दो आते थे, मार्गला और मार्गला प्लस। तो पहली बात है जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में कि इन दोनों में एक तो पावर स्टेयरिंग और पावर विंडोज़ का। मार्गला प्लस है उसमें आपको अलायरन नहीं मिलते मिलेगा, बाकी जो मेन फ़र्क था वो कलर्स का डिफरेंस था। मार्गला प्लस में आपको कलर्स ऑप्शंस डिफरेंट मिल जाती थी, उसमें से कुछ अलग अलग कलर थे जिसको ज़्यादा तो मुझे भी कन्फर्म नहीं है कौन कौन से कलर थे, लेकिन उनमें कुछ कलर ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाती थी जो मार्गला प्लस वाला ऑप्शन था। बाकी बात कर लेते हैं मार्गला के हवाले से, तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि 1992 में सुजुकी पाकिस्तान ने इसको लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था और ये पाकिस्तान की सुजुकी वालों की तरफ से फर्स्ट सेडान थी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी थी और लोकली प्रोड्यूस्ड सेडान थी, क्योंकि इससे पहले स्विफ्ट आ रही थी या जिसको आप लोग खैबर कह सकते हैं वो आपको देखने को मिलती थी, वो लोकली हैचबैक थी। और इसके ज़्यादातर डिज़ाइन जो हैं ज़्यादातर उसके साथ मिलते जुलते हैं खैबर के साथ। अगर आप एयर वेंट्स वगैरह देखें या इसका मीटर इंटरफेस देखें तो आपको खैबर के साथ मिलता जुलता नज़र आता है। बाकी अगर इंजन के हवाले से बात कर लीजिए तो 1300cc आपको इसमें कार्बोरेटर बेस्ड इंजन मिल जाता है जो कि तकरीबन 70 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है और 90 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। इंजन की परफॉर्मेंस अगर देख ली जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी है इसके वेट के लिहाज से। इसका वेट जो है वो तकरीबन 1000 kg तकरीबन इसका वेट था, जो कि 70 हॉर्स पावर और 90 Nm ऑफ टॉर्क उसके लिए ठीक था, ज़्यादा कम ही नहीं था। अंडर पावर आपको गाड़ी फील नहीं कराती, ठीक है। अगर बेशक 4 बंदे या 5 बंदे इसके अंदर बैठे और सामान भी हो तो गाड़ी आपको अंडर पावर फील नहीं कराती। बाकी अगर बात कर लीजिए फ्यूल एवरेज के हिसाब से, तो अगर आप इसको अच्छे से ट्यून करें, क्योंकि आपको पता है पुरानी गाड़ी है, 25 से 30 साल पुरानी गाड़ी है, तो अब फ्यूल एवरेज पे आपको फ़र्क मिल जाता है। अगर आप इसको अच्छे से ट्यून करें तो तकरीबन ये आपको 12 से लेके 14 के दरमियान में आपको सिटी के अंदर दे सकती है, और लॉन्ग पे आपको 14 से लेके 16 तक या 17 तक आपको दे सकती है। कार्बोरेटर बेस्ड गाड़ी जो होती है उसका ज़्यादा फायदा यही होता है कि उसके कार्बोरेटर को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्यून कर सकते हैं, जबकि EFI हो या MPI जो होती है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन जो होती है वो मतलब कि उसको आप ज़्यादा बेहतर ट्यून नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आ जाए इसकी AC परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो AC की परफॉर्मेंस आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पुरानी गाड़ी है तो इसमें थोड़े बहुत काम निकलते हैं। अगर आप इसका AC कंप्रेसर का काम करवाते रहें वगैरह वगैरह, और इसकी गैस वगैरह, अगर AC का जो कूलेंट होता है वो अगर आप सही से रखें, और अगर इस गाड़ी का रेडिएटर का काम करवाएं, तो आप मतलब क्योंकि इसमें जो एक नॉन इशू आ जाता था AC के हवाले से वो यही था कि गाड़ी थोड़ी सी हीट कर जाती थी जब पुरानी होने लगती थी। जब नई थी उस वक्त तो इतना इसमें इशू नहीं आता था हीटअप का, लेकिन जब पुरानी वक्त गुजरता गया और साथ ही गाड़ी पुरानी होती गई तो इसमें हीटअप के इशूज़ आने शुरू हो गए थे,
उसका जो हल है वो यही है, इसका आप रेडिएटर हर साल वॉश करवाएं, इसका रेडिएटर क्लीन रखें, कूलेंट इस्तेमाल करें, कोशिश करें। लेकिन पुरानी गाड़ी अक्सर लोग कूलेंट इस्तेमाल नहीं करते, पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो यही है कि इसका रेडिएटर जाम नहीं होना चाहिए, चौक नहीं होना चाहिए, इसका रेडिएटर जो है इसका रेडिएटर वर्किंग हालत में होना चाहिए, जिसकी वजह से गाड़ी हीट ना करे। और अगर गाड़ी हीटअप नहीं होती तो इसका जो एसी है वो ज़बरदस्त काम करता है, बगैर किसी परेशानी के आपको तंग नहीं करता। बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर तो आप लोगों ने देख लिए कि इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अगर आप देख लें इसके साथ आने वाली जो टोयोटा थी, टोयोटा इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उसको भी मैं इंशाल्लाह रिव्यू जल्दी लेके आऊँगा, और जो होंडा सिटी है उसके हिसाब से इसका जो है डिज़ाइन फिलॉसफी तो ठीक है, इतनी कोई बुरी भी नहीं है और इतनी कोई बेहतर भी नहीं है। अब लेकिन आप आज की काल के ज़माने के हिसाब से तो इसके से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उस ज़माने में आने वाली गाड़ियों के हिसाब से इसकी जो डिज़ाइन थी, डिज़ाइन था वो बहुत खूबसूरत था। ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशन के वाले से अगर बात कर लीजिए तो 155 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और टायर्स अगर इसमें ओरिजिनल जो थे वो 13 के आते थे, अगर 14 के आपने लगाए हुए हो या 15 के, तो अक्सर लोगों ने 14 के लगाए हुए तो ज़्यादा गाड़ी नीचे लगती नहीं है। गाड़ी की सस्पेंशन ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा स्टिफ है, इसकी सस्पेंशन नॉर्मल है। जामखंडों में गाड़ी आपको तंग नहीं करती, गाड़ी नीचे नहीं लगती, सस्पेंशन इसकी अच्छी है। मतलब अगर एक गाड़ी की सस्पेंशन सॉफ्ट होती है तो जंप से या खड्डों से गुजारने के वक्त सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से गाड़ी नीचे लगती है, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट भी नहीं है और इतनी स्टिफ भी नहीं है कि आपको तंग करे। स्टेबिलिटी का इशू इसमें गाड़ी में इतना खास नहीं है, हाँ वेट मेरे लिहाज से गाड़ी का थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से अगर एक बंदा बैठा हुआ हो तो गाड़ी जब आप 100 से ऊपर लेके जाएं या 120 से ऊपर लेके जाएं तो अगर पास से कोई बस वगैरह गुजरे तो आपको थोड़ा सा गाड़ी महसूस होती है कि गाड़ी तो आपकी थोड़ी सी हिल रही है, या तेज़ हवा में अगर एक बंदा ड्राइव कर रहा हो तो गाड़ी आपको थोड़ी सी महसूस होती है, वो इस वजह से कि गाड़ी का वेट थोड़ा सा वो कम है। अगर इसमें अगर 3-4 बंदे बैठे हों तो फिर आपको गाड़ी ज़्यादा महसूस नहीं कराती कि गाड़ी आपके हाथ से निकल रही है, बाकी कॉर्नरिंग वगैरह पे गाड़ी ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट के हवाले से। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबल है इजीली। अब मैं मियांवाली शहर में रहता हूँ तो मियांवाली शहर में भी इसकी कोई पार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आप खुद सोच सकते हैं। और ज़्यादातर ये गाड़ियाँ देहातों में चल रही हैं, मियांवाली हो गया, मियांवाली खैर अब देहात तो नहीं रहा, मियांवाली तो अच्छा खासा शहर हो गया, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो ज़मींदार लोग हैं ज़्यादातर ये गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्योंकि कम पैसों में ये गाड़ी आपको अवेलेबल होती थी, जबकि टोयोटा इंडस होगी या होंडा सिटी होगी तो उनकी जो प्राइस है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफर करते थे। और स्टे अगर बात कर लीजिए मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे से, तो अगर सिर्फ मोबाइल ट्यूनिंग की बात की जाए तो ये तकरीबन आपका 3,000 से 3,500 रुपया इसका खर्च है, जो कि कंपनी तो उस वक्त कहती थी 5,000 किलोमीटर पे या 4,500 पे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको 3,000 किलोमीटर पे इसका मोबाइल चेंज करवा लिया जाए, साथ ही ऑयल फिल्टर भी चेंज करवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि गाड़ी का इंजन पुराना है तो आप जितना उसकी केयर ज़्यादा करेंगे तो वो आपकी जेब की केयर ज़्यादा करेगा और आपका खर्च कम होगा। बाकी अगर बात कर लीजिए इसके पार्ट्स के हवाले से, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, हर पार्ट्स इसका इजीली अवेलेबल है, क्योंकि उसमें आपको चाइना, कोरियन, जैपनीज, पाकिस्तानी हर किस्म की आपको वैरायटी अवेलेबल है। आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब की तरफ से कोई इशू नहीं आ जाता, और प्राइसेस भी देख लीजिए तो प्राइसेस भी काफ़ी लो है। अगर आप टोयोटा और होंडा के हवाले से देखा जाए, होंडा सिटी या होंडा सिविक जो इसके साथ के आने वाली जनरेशन थी, उनके हिसाब से देखा जाए तो इसकी पार्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी कम है। पीछे की अगर बात कर लीजिए, 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, 2 बंदे आगे। अगर आपकी 5 बंदे की फैमिली है, या लेट से अगर आपकी 4 बंदों की फैमिली है या 5 बंदों की फैमिली है, तो आप इसमें आपके लिए बेस्ट फैमिली कार, आप एज अ फैमिली कार आप इसको ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके ये आजकल की महंगाई के दौर में नई गाड़ियाँ लेना तो हमारे लिए ख्वाब ही हो गया है, और सेकंड हैंड कार्स में हमें अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते। अगर जितने पैसों में ये मिलती हैं, ये अब 3 लाख से लेके 6 लाख तक शुरू हो गई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ियाँ भी अब महंगी हो रही हैं, क्योंकि इनकी मार्केट पहले से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। इससे आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसकी रीसेल कितनी अच्छी होगी। रीसेल इन गाड़ियों की, ये जो पुराने मॉडल आ गए, बेशक सिटी है, बेशक इंडस करोला है, बेशक मार्गला है, जो भी है, बलिनो है, इनकी मार्केट वैल्यू अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग सेकंड हैंड कार्स की तरफ, पुरानी गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इनकी रीसेल वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। अब
अगर आपको 3 से 4 लाख या 5 लाख में ये गाड़ियाँ मिल रही हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इतने पैसों में आपको क्या मिलता है, मेहरान मिलती है, मेहरान में क्या किधर आपकी 6-3 बंदे आराम से बैठा सकते हैं, और ना ही उसमें कोई एसी अच्छा है। पैसे तो बॉस है, बॉस मैंने आपको बोला क्या ये नो बॉस लवर्स हमारे साथ नाराज़ हो जाए, लेकिन भाई जो बात सीधी है वो यही है कि एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपकी 4 या 5 बंदों की फैमिली है, और आप और अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अहमद मोटर मियाँ वाली के साथ, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और स्क्रीन पे भी अभी उनके नंबर चल रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी हाजिर होऊंगा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह।